इसमें मैं बिहार का डीजीपी प्ले कर रहा हूँ, विजय तिवारी, जो बहुत सख्त है, अपने मातहतों की क्लास लेता रहता है अगर उसे रिजल्ट ना मिले, और जब ये रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं तो फिर मैं सुपर गोनू को बुलाता हूँ और फिर वो हर केस को जो है सॉल्व कर देता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सुपर गोनू एक बहुत ही रंगीला कैरेक्टर है और हर केस को वो बहुत ही चाबुक दस्ती से, महारत से वो सॉल्व कर लेता है। तो इंटरेस्टिंग है और बच्चों को मैं समझता हूँ कि बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो ये एक एंटरटेन के साथ एक मैसेज वेब सीरीज कहा जाएगा होगा, अगर आप जिसे प्ले कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं तो क्या? हाँ, देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए मनोरंजन भी है और जो क्रिमिनल्स हैं, जो दोषी हैं, सुपर गोनू उनको पकड़ के कानून के हवाले करता है और फिर कानून उनको दंड देता है। तो कहने का मतलब यह है कि एंटरटेनमेंट भी है, मनोरंजन भी है, और उसके साथ साथ ये भी है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अंग्रेजी में कहते हैं द क्राइम नेवर पेज। जब आप कोई जुर्म करते हैं तो उसका कोई पॉजिटिव हल नहीं निकलता, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, ये इसमें दर्शाया गया है। जी सर, बताइए शूटिंग चल रही है, कितना पार्ट शूट हुआ है, क्या क्या तैयारी किया है आपने, सब बताइए। ये एक मेगा सीरियल है, सोनी जैसे चैनल के लिए बन रही है जी। और हमारी तैयारी पूरी है स्क्रिप्ट के हिसाब से, विजन हमारा क्लियर है, इसको हम 800-900 एपिसोड तक ले जाएंगे, डेली शो को पेरा है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है कि जो हमारे गोनू झा कैरेक्टर थे 500 साल पहले, उसको आज के परिवेश में मैंने ढाला है। अगर सामान्य व्यक्ति को आज की डेट में गोनू झा जैसा कैरेक्टर मिलता है तो उसको आसान लाइफ जीने के लिए हो जाती है। तो ये सब है, तैयारी हमारी पूरी है, आर्टिस्ट भी हमारे जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। गोनू झा का रोल सचिन कुमार साहू कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निखर के आ रहा है। और इसमें चैनल के और लोग जो अभी सीरियल में काम कर रहे हैं उन लोग भी हैं, रजा मुराद जी हैं, और एक हीरोइन है जो जी टी वी पे और कई शो कलर पे कर चुकी है, सुनिधि चौहान, वो कर रही है हमारी हीरोइन का काम। और उसके बाद जितने भी एपिसोड्स बनेंगे वो दो दो एपिसोड की स्टोरी होती है, तो उसमें नए नए कैरेक्टर जुड़ते जाएंगे और सभी नए लोगों को भी काम मिलेगा। जो पुराने हैं हमारे मेन पिलर्स एक्टर्स में जो अभी इंडस्ट्री में हैं उन लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। ये जो टॉपिक है, जो स्टोरी है सीरियल की, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी है, बिकॉज इसमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है अच्छा मैसेज है। हर स्टोरी में एक अलग अलग मैसेज रहेगा कि जो समाज में ये गतिविधियां फैल रही है उसमें एक सुपर हीरो यानी सुपर गोनू कैसे सॉल्व करता है और किस तरह का वो, मतलब मनोरंजन के साथ, पारिवारिक मनोरंजन और एकदम मैसेज बहुत अच्छे अच्छे हर एपिसोड में मिलेंगे। राइटर डायरेक्टर ने इतना बढ़िया, मतलब राइटर ने लिखा है, लोग दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। इस समय ऐसी सीरियल कोई नहीं चली। जी जी, जैसे मैंने बताया कि वैसे हर स्टोरी, तो एक स्टोरी ऐसी है कि मिठाई, जो मिठाई में मिलावट होती है खासतौर पे त्योहारों में, दिवाली होली वगैरह वगैरह में जो हम आप जानते हैं, तो वो मैं एक मिठाई का दुकान वाला हूँ, जबकि मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि मैं मिलावट नहीं करता, बट हम जिससे माल लेते हैं वो कुछ लोग जो है इस तरह के मिलावट के काम करते हैं, और चूंकि दुकान का जो ग्राहक है वो दुकानदार का भरोसे से मिठाई ले जाते हैं और ऐसे कुछ जहरीला जो है फैल जाता है जो दुकानदार को पकड़ा जाता है, और दुकानदार चूंकि ईमानदार है वो सच बोलता है और सुपर गोनू के मदद से ये जो है ये छूट जाता है, मतलब बाइजन बरी हो जाता है और उनकी जो हीरोगिरी के हिसाब से वो सारा केस वो सॉल्व कर देते हैं बड़े अच्छे ढंग से, बहुत मज़ेदार है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। किरदार जो है वो
अपने आप में एक हस्ती बोलना चाहिए। जैसे अकबर बीरबल होते थे, तेलाली रामा होता था और शक्तिमान जैसे काफ़ी फेमस हुआ था, ऐसे मिथिलांचल में गोनू झा फेमस है और उनके जो तीज त्यौहार है तो उनकी जो बताए गए जो गाइडेंस है या जो भी उसको कहना चाहिए हिंदी में सुक्तियाँ क्या बोलती हैं, जो उन्होंने लिख के गए हैं या जिन्होंने उन्होंने जो रास्ता बताया है, तो उन्होंने काफ़ी सारे फॉलोअर हैं उन लोगों के, मतलब मिथिलांचल तो पूरा फॉलोअर है शुरू से। तो वो एग्जैक्टली के बारे में ज़्यादा नहीं है, लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, ये स्टोरी जो है व्यापी होने वाली है। हाँ, व्यापक है। फिर हमारे सर ओम जी जो राइटर हैं डायरेक्टर भी हैं, तो इन्होंने गोलू झा को 500 साल पहले की से नए परिवेश में परिवर्तित किया है। यदि गोलू झा यदि वहाँ उस जमाने का गोलू झा यदि अभी इंडिया के अंदर आ जाए या वर्ल्ड के अंदर आ जाए, तो जितनी सारी प्रॉब्लम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे फैमिलियर हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे कालाबाजारी हो, तो गोलू झा और चुटकियों में वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। उनका मेन कहना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर थे।